कैसा रहा आज का ऑफिस? बहुत अच्छा। आज पहली बार लगा कि अपने बाबा के ऑफिस में गया। इंशाल्लाह अब ऐसा ही लगा करेगा। इंशाल्लाह। माँ किधर है? आंटी कमरे में, उन्होंने खाने से भी मना कर दिया, कह रही थी कि उनको भूख नहीं है। मैं बात करके आता हूँ। अफान, मेरे चंदा, अपनी माँ से माहिर और शानों के बारे में कोई बात मत करना, बल्कि जिक्र ही नहीं करना। दुखी होगी ना बेचारी। जी पप्पू, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, खोलो और देखो। कौन है ये? तुम्हारे बाबा की पहली बीवी, उनकी पहली मोहब्बत। बाबा की पहली बीवी है? मैं शायद तुम्हें कभी भी ना बताती, लेकिन कई बार तुमने मेरी वफा, मेरी मोहब्बत पे शक किया। तुम्हें लगा कि जैसे मैंने तुम्हारे बाप के साथ कोई बेवफाई की है माहिर के साथ शादी करके। मैंने उनकी मोहब्बत की कदर नहीं की, मगर ऐसा नहीं था अफान। मैंने अपना बचपन, अपना लड़कपन, अपनी जवानी तुम्हारे बाप के नाम कर दी। उस बाप के नाम जो कभी जिंदगी में अपनी पहली मोहब्बत, अपनी पहली बीवी को भुला ही नहीं सका था। बाबा शादीशुदा थे। आपसे शादी से पहले वो पैंतीस साल की उम्र में कौन सा मर्द होगा जिसकी जिंदगी में कोई औरत ना आई हो? क्या ऐसा मुमकिन है? और वो मर्द जो कि मगरिब के आजाद माशरे में रहता हो, जहां पे दोस्ती और ताल्लुक बनाना कुछ मुश्किल नहीं होता।